हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो एशिया कप में होना है उसके लिए दोनों टीमों की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है आज के बारे वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और कमेंट से अपनी राय का इजहार हमें ज़रूर दें। बिना किसी देरी वीडियो करते हैं शुरू। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए दोनों टीम्स की जो प्लेइंग 11 हो सकती है वो पहली बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 हो सकती है वो कुछ ये है कि नंबर 1 पर बाबर आजम, नंबर 2 पर मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 पर फ़खर जमान, नंबर 4 पर शताब खान, नंबर 5 पर मोहम्मद नवाज़, नंबर 6 पर इफ्तखार अहमद, नंबर 7 पर खुर्शीद शाह, नंबर 8 पर आसिफ अली और नंबर 9 पर नसीम शाह, नंबर 10 पर शाह नवाज दानी और नंबर 11 पर हारिस रऊफ होंगे। अब बात कर लेते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 की। तो इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ ये हो सकती है कि नंबर 1 पर कप्तान रोहित शर्मा, नंबर 2 पर नायब कप्तान केएल राहुल, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर एशफिन, नंबर 9 पर ब्रेशन कुमार, नंबर 10 पर अर्षदीप सिंह और नंबर 11 पर युजवेंद्रा चहल लेग स्पिनर होंगे। ये है कुछ दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 पाकिस्तान वर्सेज इंडिया मैच जो एशिया कप के लिए खेलना है उसके लिए। आपको कैसी लगी ये प्लेइंग 11? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स पे करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।